हाँ चाची मन छड़िया बड़ा के मैं पढ़ता हूँ नहीं फिर भी पूरा कुलना पड़ता है इसके साथ फिर जाकर ये बांधी जाती है। मैं बाहर खड़ा हूँ, व्यू आप चेक करें गाँव का, सनसेट हो रहा है जी। इधर ये चाचू जान लगे हुए हैं जी। जी डॉगी के अब उधर से काम ख़त्म हुए हैं और इधर आके ये जानवरों का बिछेड़ रहा है। पहले वो उस बेचारे मासूम से बछड़े को छेड़ रहा था, अब इधर आके गाय के साथ पंगे ले रहे थे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल जी आपका। भाई एक नए व्लॉग के साथ हाजिर है। कुछ दिन बाद जी आज मैं व्लॉग डाल रहा हूँ, कुछ मसरूफियाँ चल रही थी जिसकी वजह से मैं व्लॉग को आपके साथ शेयर नहीं कर सका। आज मैंने सोचा है जी गाँव की ज़िंदगी थोड़ी सी आपके साथ शेयर करते। काफ़ी देर हो चुकी है जी, गाँव पर भी कोई व्लॉग नहीं था। ये देख सकते इस तरह मैं बाहर खड़ा हूँ, व्यू आप चेक करें गाँव का, सनसेट हो रहा है जी। इधर ये चाचू जान लगे हुए हैं जी, जानवरों का चारा काट रहे हैं। ये थोड़ा सा काट लिया और अभी लगे हुए हैं मुसलसल दरांती के साथ। तो की हाल है, ठीक हो चाचू? किन्ना को बढ़ना जी? ये देखें ये कुछ चारा जी काट लिया, इधर से अब काट रही हूँ। इसे कहते हैं जी पंजाबी में पांड बनी है। ये थोड़ा सा इधर इकट्ठा किया और थोड़ा सा ये रहा, इसको एक जगह इकट्ठा करके चादर के साथ बांध लेंगे और इसको पंजाबी जबान कहते हैं जी पांड बांध लिया। हूँ इन्हू चुको तो वेली बचाओ। हाँ जी अजर जी, हाँ जी हाँ जी, पेड़ लगा ये एक और भाई आ रहे हैं अपना चादर लेके स्टाला लेने के लिए। क्या हाल है भाई, ठीक हो? स्टाला लेने आयो? वडना वे के वडना ये नहीं है भाई, सीधे वडे है जे मुसूम साहब ने। सही हो गया, टाइम बिल्कुल जी शॉर्ट है, जितनी जल्दी हो सकेगा भाई काटेंगे चारा। शाम का टाइम है, मगरब होने को है। इस टाइम जो व्यू है वो मैं आपके साथ फीलिंग शेयर नहीं कर सकता। बार बार जी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये देश के। ये देखे जी चाचू जाम सलसल लगे हुए हैं, अब मुझे खड़े हो के शर्म आ रही है इनके पास। मैं चाहता हूँ जी मैं भी थोड़ी सी इनकी हेल्प कर दूँ। अभी चाचू से दरांती पकड़ते हैं और खुद भी काट लेते हैं। चाची दसो हम थोड़ी जी, असी भी ट्राई मारिए। ये देख सकते हैं चाचू कह रहे तेरे को नहीं बढ़ोना, असी ट्राई करांगे जी पूरी जितने तक हो सकता है। हाँ जी चाचू जी, आखे नहीं बढ़ लेना मैं यार, इन्ने काम तो कर ली रहा। ये देखें ये एक मिनट में नहीं चंद सेकंड में इतना काट लिया। चाचू हस रहे ने कोल, मुंडे ने आख्या ही इन्हें नहीं बढ़ना लेकिन बढ़ गया। हाँ चाचू मन छड़िया बड़ा के मैं बढ़ता हूँ फिर भी। चाचू जान कह रहे हैं जी बहुत है, ये देख सकते हैं इधर ये काफी हो चुका है जी जो हमने काट लिया है। इधर भी पड़ा हुआ है, वो भाई अलहदा काट रहे हैं जी। ये सामने आप देख सकते हैं गंदम फुल तैयार हो चुकी है गौ में इस वक्त, क्योंकि ज़मीनें आपको देखने को मिलती हैं तो चारों तरफ गंदम ही आपको दिखाई दे रही है जिधर भी आप नज़र उठाएंगे। तो फुल पक चुकी है, एक मैं आपको इसका सिट्टा जो कहते हैं वो दिखा देता हूँ, चांद दाने निकाल के ये देख सकते हैं आप, ये रहा जी। अब इसे मुंह में डालें तो कुड़ुक की आवाज़ आती है, तो जिसका मतलब है कि गंदम फुल पक चुकी है। अब इधर हार्वेस्टर या जो भी लोग हाथ से कटाई करते हैं जो भी प्रोसेस होता है वो भी आपके साथ किसी दिन शेयर करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी तक सारी ज़मीनें ऐसे ही पड़ी हुई हैं। सूरज तकरीबन ढाल चुका है जी, शाम होने को है। अब चाचू जान जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी दरांती चला रहे हैं ताकि यहाँ से हम निकलें और अपनी हवेली में चलें, उधर जाके चारा काटें और जानवरों को डालें। ये चेक करें ये सारा एरिया जी काट दिया, इधर से ये भाई लगे हुए हैं। अब हम इनको उठाएंगे अपनी हवेली में जाएंगे, जानवर इंतज़ार में जी कब चारा आता है तो हम जो है उस पर टूट पड़े। ये देखें जी दो पंडे तैयार हो चुकी हैं, एक ये रही
और एक वो बांध रहे हैं जी, इसको बांध के अगले दिन काट के थोड़ा भाई देखिए इसको मजबूती के साथ बांध देना जी, पूरा कुलना पड़ता है इसके साथ, फिर जाकर ये बांधी जाती है। परिंदे अपने अपने घोंसलों में रवाना हो रहे हैं जी, चेक करें परिंदों की उड़ान। परिंदे तुर गए ने ते असी भी जाना वै हवेली, जल्दी करो। देख सकते हैं जी पंडे बहा लिया, अब मैं चाचू जान को चुकाऊंगा, आए चुकाऊंगा, बहुत वजनी है भाई, चाचू जी वजनी तो नहीं है। नहीं 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 साहब क्यों हो गया। अब जी ये भाई को भी उठाएंगे, चलो जी चलो जी। अब चलते हैं जी हवेली में जाके मिलते हैं, इसको काटते हैं और आपके साथ सब शेयर करते हैं जी। सर पर वजन उठाया जाता, फिर नहीं देखा जाता पीछे मुड़कर। चाचू जी मैं चोकला, वो चोकला ना, नहीं नहीं यार इतना भी नहीं है बच्चा। चाचू को मैंने ऑफर किया मैं उठा लेता, लेकिन चाचू गुस्से में इस वक्त वो कह रहे मैं नहीं उठाना। इस वक्त जी हम हवेली में मौजूद है, अजान हो रही थी, अजान का वक्फा लिया। ये देख सकते हैं इधर बकरी है एक, ये चेक करें चाची, या बच्चा या बच्ची, बच्ची जी ये इस गाय की है, ऑरेंज वाली गाय की जी ये, और ये एक सफेद गाय साथ देख सकते हैं, ये दो गाय हैं, वो रहा जी डॉगी भी है। कुत्ता कितू लिया जी, चेक करें ये पूरा नाटकबाज लग रहा है, समझदा वा कितू लिया है, नस्ली है बस ठीक है। ये चेक करें इधर बकरी का बच्चा भी है जी, ये अपने मस्त है जी चारा खाने में, ये चेक करें भाग रहा है इस वक्त फुल फॉर्म में है। इधर जी ये दो गाय लगी हुई हैं, अब जी चारा काटना है। ये रहा जी चारे के लिए जो कटर टोका इसे पंजाबी में कहते हैं, इसके साथ चारा काटते हैं, वो भी आपके साथ शेयर कर देते हैं। ये चेक करें डॉगी के काम, इसको खाने के लिए शायद कुछ नहीं मिला आज, और एक शूज को पकड़ के उसको दबोची जा रहा है। ये चेक करें छोड़ दे, ये नहीं छोड़ने वाला जी। चाचू जी इन्हू कुछ पाया नहीं, अज भुख लगी दी है कुत्ते नू, खेडा बूट ना बूट खाई जाता पै। चाचू कह रहे हैं जी भूख नहीं लगी हुई, ये वैसे ही खेर है जूते के साथ। ये इधर से है कि ले के आए हो, तूड़ी तूड़ी पहले तूड़ी डालनी है खुलरी च। ये इधर चारा डालेंगे, ये थोड़ा सा चारा खराब हो गया था, ये बाहर निकाला है, खुरली पंजाबी में से कहते हैं, खुरली को फ्रेश करके अब इसमें जी दोबारा हम फ्रेश चारा डाल देंगे। अंधेरा हो चुका है जी काफ़ी, शाम की अजान भी हो चुकी है, लेकिन ये नहीं बाज आ रहा, ये मुसलसल लगा हुआ है जूते के साथ। ये देखने क्या लुक है यार, बच्ची चेक करे जी, चाची जाने चारा डाल दिया है, अब इसको काटेंगे। इसे कहते हैं जी पंजाबी जबान में दत्था लगाना है, और आगे से चाचू जान काटेंगे। इधर से मैं एक हैंड के साथ इधर से जी दबा के रखूंगा प्रेस करके, ताकि ये मोटर में जाते जाए। इसको फुल प्रेस करना पड़ता है, फिर जाके ये आगे मशीन में जाते हैं। दत्था जरा भारी नहीं हो गया, है भी उस बकरी दी है, वो दूधी खा रही है। ये जी देख सकते हैं आप प्रेस हो चुके हैं, आगे जाते जा रहे हैं, इधर से कट कर नीचे आते हो।
बच्चा पार्टी जी बकरा लेके घूम रहे हैं, ये चेक करें बकरा, पकड़ लो इसे, डर भी रहे हैं और साथ पकड़ भी रहे हैं, वो चेक करें। डॉगी के अब उधर से काम खत्म हुए हैं और इधर आके ये जानवरों का बिछेड़ रहा है, पहले वो उस बेचारे मासूम से बछड़े को छेड़ रहा था, अब इधर आके गाय के साथ पंगे ले रहा था, इसके एक भी टांग पड़ गई, इसने नहीं बचना है। ये चेक करें, खाना हो तो इस तरह खाएं, इन्होंने मुंह ही नहीं उठाया चारे से। लेके जा रहे हैं आप टूड़ी, बोसाई से कहते हैं उर्दू में, अब जी ऊपर डालेंगे ये जो हम चारा काट के लाए हैं, इसको मिक्स कर देंगे और जानवर शुरू हो जाएंगे। तो गाइज ये था हमारा आज का व्लॉग, गांव की रूटीन आपके साथ शाम की शेयर की है, तो मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर, या चेक करें, तुम भी बाय बाय कह दो।